परवल के बेहतर उत्पादन और उन्नत खेती में खेत का चुनाव, खेत की तैयारी तथा फसल लगाने की विधि की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण है। तो पहला तो चुनाव में, जमीन का चुनाव में आपको देखना होगा कि उस तरह का जमीन का चुनाव करें जिसमें कि हम 5 साल तक दूसरा फसल को नहीं लगाएं। दूसरा है कि परवल की खेती जहाँ पर करते हैं वहाँ पर छाया नहीं होना चाहिए, तो छाया अगर होगा तो उससे जो है परवल के उत्पादन पर असर पड़ेगा। तीसरा जो है, परवल जो है बरसात के दिनों में होता है, तो बरसात के दिनों में पानी का जमाव नहीं हो, उस तरह का भूमि का चुनाव करना होगा। और चौथा जो है, गर्मी के दिनों में हमको परवल में पानी देने की आवश्यकता पड़ती है, तो जहाँ पर आपका सिंचाई का सुविधा हो तो वहाँ पर आपको करना होगा। तो इन सब बातों को ध्यान में रख करके और उस तरह से खेत का चुनाव करें। उसके बाद खेत की तैयारी जो है आप जुताई कर लें, खूब अच्छी तरह से जुताई करने के बाद जो है, क्योंकि परवल जो है दूर दूर लगता है, नज़दीक नहीं लगता है, तो आप पूरे खेत में जो है खाद एवं उर्वरक का प्रयोग नहीं करें। परवल को जो है लाइन से लाइन की दूरी 1 मीटर और पौधे से पौधे की दूरी 1 मीटर पर लगाते हैं। तो जो लाइन से लाइन की दूरी और पौधे की दूरी है, तो 1-1 मीटर की दूरी पर जो है आप 1.5 से 2 फीट का गड्ढा खोद लें। गड्ढा खोदने के बाद जो है उसमें सड़ा हुआ गोबर खाद या केचुआ खाद और करंज खली चूना, जो खेत में डालने वाला चूना है, प्रति गड्ढा जो है 100 ग्राम करंज खली और 100 ग्राम चूना जो है गोबर में सड़ी हुई गोबर या केचुआ खाद और मिट्टी में मिला करके गड्ढे को भर दें। 1.5 से 2 फीट के गड्ढे को भर दें। भरने के बाद जो है अक्टूबर के महीना में जो है आप पौधे को रोपाई कर दें। अच्छी उपज का सारा दारोमदार उन्नत प्रभेदों पर होता है। फसल लगाने के लिए जड़ या तना की कटिंग का उपयोग करें। इनके वैसे उन्नत प्रभेद लगाएं जो झारखंड की मिट्टी और मौसम के अनुकूल हो, अच्छी उपज देने में सक्षम हो और सहज उपलब्ध हो। यह उन्नत प्रभेद खुले बाजार से भी ले सकते हैं या ICAR प्लांडू केंद्र से भी संपर्क कर सकते हैं। किसान भाइयों, परवल को जो है पहला तो है कि हम बीज से नहीं लगाते हैं, इसको जो है जड़ का कटिंग हो या तना का कटिंग हो उससे लगाते हैं। तो हमारे अनुसंधान केंद्र प्लांडू के द्वारा जो है 3 किस्में विकसित किया गया है जो पूर्वी भारत के लिए बहुत ही उपयुक्त है और झारखंड के लिए विशेषकर। उसमें स्वर्ण अलौकिक है जो पटनहिया परवल ही बोलते हैं, जो चिकना होता है, धारी वाला नहीं होता है। दूसरा है स्वर्ण रेखा जिसमें धारी होता है और लंबा होता है। तीसरा जो है स्वर्ण सुरुचि है जिसमें वो भी चिकना है, उसमें भी धारी नहीं होता है। तो यहाँ के लिए सबसे उपयुक्त 3 किस्म हैं। और जहाँ तक स्वर्ण अलौकिक की बात है तो स्वर्ण अलौकिक का फल का जो है गुणवत्ता ज़्यादा अच्छा होता है, इसका मिठाई भी बनता है। तो आप जो है और बाज़ार में दाम भी आपका ज़्यादा रहता है, क्योंकि इसको जो बिहार का परवल या पटना के परवल के नाम से बेचा जाता है झारखंड के बाजारों में। किसान भाइयों, परवल सालों भर अच्छी कीमत पर बिकता है, आप इससे दोहरा लाभ ले सकते हैं। परवल लगाने के अगले मौसम से फल के अलावे खुद इसका पौधा तैयार करके बिछड़ा बेच सकते हैं। परवल के बेहतर परागण, फलन और उपज के लिए खेत के छोटे बड़े आकार के अनुसार नर और मादा पौधों के अनुपात अनुशंसित रखें, जिसको कि आपको बार बार किसी दूसरे पर निर्भर नहीं होना होगा। आप खुद इसमें जो है अगले साल से जो है इसका पौधा तैयार करके अपने खेतों में बढ़ा सकते हैं या दूसरे किसानों को भी जो है पौधा तैयार करके बेच सकते हैं। तो परवल के फल के साथ साथ परवल के पौधों का भी आप एक नर्सरी तैयार करके दूसरे किसानों को दे सकते हैं, क्योंकि झारखंड में जो है परवल की खेती जो है बहुत ही कम मात्रा में होता है और इसका मतलब ज़्यादा संभावना है कि झारखंड में जो है अगर हम परवल की खेती करते हैं तो आपको बाज़ार में जो है मूल्य हमेशा ज़्यादा रहेगा। बाज़ार में कभी भी परवल जो है 25-30 रुपये से कम नहीं बिकता है और कभी कभी तो आपको 50-60 रुपये बिकता है। तो परवल का संभावना, सभी सब्जियों में परवल की संभावना ज़्यादा अच्छा है भविष्य में 40-50 सालों तक। हम समझते हैं कि जिस तरह से और सब्जी होता है कि 1-2 रुपये बेचते हैं, परवल की अभी संभावना वैसी संभावना आने की संभावना नहीं है, क्योंकि परवल की खेती बहुत ही कम मात्रा में।